वर्षा और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि आप मेरे इस चैनल पर काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग होम डेकोर DIY आइडियाज़ देख पाएंगी। मैं ट्राई करती हूँ कि ट्रेंडी और जो वायरल DIY आइडियाज़ होते हैं उन्हें मैं कम से कम बजट में बना पाऊँ और आप सभी लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। तो अगर आपने मेरे वीडियोस को नहीं देखा है तो एक बार उन्हें चेक ज़रूर कीजिएगा। बात करते हैं आज के DIY आइडियाज़ की। आज मैंने कुछ एथनिक और ट्रेडिशनल DIY बनाए हैं और उन्हें मैंने बहुत ही कम बजट में बनाया है और इनमें मैंने यूज़ किया है कार्डबोर्ड का। कार्डबोर्ड एक ऐसी चीज़ है जो हम सभी के घरों पे अवेलेबल होती हैं, इसलिए मैंने इन सभी DIYs में कार्डबोर्ड का यूज़ किया है और उन्हें बहुत ही कलरफुल और वाइब्रेंट बनाया है। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं इन ब्यूटीफुल एथनिक DIY आइडियाज़ को। तो सबसे पहले हम बनाएंगे ये एक बेसिक सा लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल मंडाला वॉल आर्ट। इसे बनाने के लिए मैंने लिए हैं ये दो कार्डबोर्ड पीसेस। तो दोनों कार्डबोर्ड पीसेस के ऊपर हम स्टिक कर लेंगे चार्ट पेपर्स को। तो सेम साइज़ के अकॉर्डिंग मैंने चार्ट पेपर्स कट करके फेविकॉल की हेल्प से इनके ऊपर स्टिक कर लिए हैं। सबसे पहले जो मैं मंडाला आर्ट बनाने जा रही हूँ वो बहुत ही बेसिक, बहुत ही सिंपल है, लेकिन वो बनने के बाद उतना ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। तो यहाँ पर देखिए, एक कार्डबोर्ड के ऊपर मैं कलर कर रही हूँ ये ब्राइट ऑरेंज, जिससे कि जब हम इसके ऊपर हमारा मंडाला पेंटिंग करेंगे तो वो बहुत ही अच्छे से इसके ऊपर उठ कर दिखेगा। तो यहाँ पर अगर आप डिफरेंट कलर्स करना चाहते हैं इसके बेस के लिए तो उन्हें भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ब्राइट ये ऑरेंज कलर चूज़ किया है और दूसरे कार्डबोर्ड के ऊपर मैं कर रही हूँ एक्वा ब्लू कलर को। फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो कि मंडाला आर्ट अभी बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है। आप उसे एज ए वॉल आर्ट बना सकती हैं, अपने बॉटल आर्ट पर अप्लाई कर सकती हैं और इसे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वेज में बना सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमें इस बेस कोट को करने के बाद हमें इन्हें ड्राई होने देना है। और सबसे पहले जो मैं मंडाला आर्ट कर रही हूँ उसके लिए मैंने अपना जो ऑरेंज वाला जो बेस कोट किया था उस कार्डबोर्ड को लूँगी और इसके ऊपर मंडाला वॉल आर्ट करने के लिए मैंने लिया है एक वाइट जेल पेन। इससे मंडाला वॉल आर्ट बहुत ही फिनिशिंग में बनता है और बहुत ही इजी इससे डिटेलिंग हो जाती है। और दूसरा मैं ले रही हूँ ब्लैक मार्कर। इन दोनों के साथ ही मैं ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा लेकिन बेसिक सा मंडाला वॉल आर्ट बनाऊँगी। तो यहाँ पर हमें एक सर्कल बना लेना है बीच में और इस सर्कल के बीच में मैंने थोड़ी सी वाली पेंटिंग की है और उसी के आसपास मैंने मंडाला के कुछ पैटर्न्स बना लिए हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं और आपने मेरे वीडियोस देखे हैं या फिर आपने अभी अभी देखना स्टार्ट किया है तो आपने देखा होगा कि मैं अपने DIYs में कार्डबोर्ड का बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। कार्डबोर्ड का रिसाइकल करना एक तो बहुत ही इजी होता है, बहुत ही बजट फ्रेंडली होता है, रेंटल फ्रेंडली होता है। कार्डबोर्ड से बनाई गई चीज़ बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट होती है। आपको वॉल पर इसे स्टिक करने के लिए कोई भी नेल की ज़रूरत नहीं होती है। ये इजीली सेलो टेप से या फिर डबल साइडेड टेप से इजीली वॉल पर लग जाते हैं। और इस तरीके के कार्डबोर्ड से जब मैं ये वॉल डेकोर बनाती हूँ तो थोड़े थोड़े टाइम में अपने होम डेकोर को एक नया लुक देती रहती हूँ। ये वॉल डेकोर आप कहीं पे भी जब आपको यूज़ में नहीं आ रहे हैं तो आप इन्हें पैक करके किसी बॉक्स में रख सकती हैं और जब भी कोई फेस्टिव सीज़न या फिर आप अपने होम को एक नया फ्रेश टच देना चाहती हैं तो बस आप इन्हें निकाल कर ईजिली कहीं पे भी स्टिक कर दीजिए और ये आपके होम को, आपके होम के किसी भी कॉर्नर को बहुत ही ज़्यादा ब्राइटन अप कर देते हैं। क्योंकि एथनिक डेकोर वैसे भी बहुत ही ज़्यादा कलरफुल और शाइनी होते हैं, इसलिए मैं मोस्टली अपने DIYs में कार्डबोर्ड का यूज़ करती हूँ। आई होप कि अगर आपके पास भी इस तरीके के कार्डबोर्ड रखे हैं और आपको मेरे ये आइडियाज़ इंस्पायरिंग लगते हैं तो आप भी इन DIYs को ज़रूर पसंद करेंगे। और बातों ही बातों में देखिए, मैंने कुछ इस तरीके से ये मंडाला के पैटर्न्स बना लिए हैं। मंडाला के पैटर्न्स बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी होता है, इसमें बस आपको थोड़ा ध्यान रखते हुए लाइनिंग्स और ये ड्राइंग करनी रहती हैं।
जिससे कि ये आपस में मिक्स ना हो और इनकी फिनिशिंग अच्छी तरीके से बनी रहे। तो मैं मोस्टली सभी को यही सजेस्ट करती हूँ कि अगर आप मंडाला वॉल आर्ट बनाना चाहते हैं और आप बिगनर हैं, तो आप इस तरीके के जेल पेन और इंक पेन का ही यूज़ कीजिए, जिससे कि इस तरीके की डिटेलिंग बहुत ही ईजी हो जाती है और वर्क बहुत ही नीटली होता है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इसी तरीके से सर्कल में पैटर्न बनाते हुए, इनके ऊपर डिज़ाइनिंग करते हुए इस सर्कल को और भी ज़्यादा बड़ा बना दिया है। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मंडाला के सर्कल को कितना ज़्यादा बड़ा बनाना चाहती हैं, और आप चाहें तो इसे डिफरेंट डिफरेंट वेज में डेकोरेट भी कर सकती हैं। इनके ऊपर मिरर्स भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं, मिरर्स लगा सकती हैं, पर्ल्स लगा सकती हैं और इस वॉल आर्ट को डेकोरेट कर सकती हैं। मैंने इसे सिंपल ही रखा है और ये इसका फाइनल लुक। अब हम बनाएंगे अपना नेक्स्ट एथनिक वॉल आर्ट। इसमें भी मैंने सेमी मंडाला का ही यूज़ किया है। सबसे पहले मैं इसके ऊपर एक इस तरीके से मधुबनी पेंटिंग का एक ये लेडी का फेस है उसे स्टिक करूँगी, और इसके ऊपर मैंने फेविक्रिल के 3D आउटलाइनर्स का यूज़ किया है। ये जो मधुबनी पेंटिंग की लेडी की जो ये प्रिंट आउट है या फिर ये जो कटिंग है, ये मैंने अपनी एक मैगजीन में से निकाली है। आपको इस तरीके की एथनिक और रॉयल प्रिंसेस की कटिंग कहीं पे भी मिले तो आप उन्हें संभाल कर रखिए। इस तरीके के वॉल आर्ट्स में ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती हैं, जैसे कि वेडिंग कार्ड्स में भी इस तरीके की पेंटिंग्स वगैरह बनी रहती हैं, तो आप उन्हें भी संभाल कर रख सकती हैं और आगे अपने DIYs में यूज़ कर सकती हैं। तो इस तरीके से मैंने इसे स्टिक कर दिया है इसके ऊपर, और अब हम हमारे 3D आउटलाइनर से इसके ऊपर मंडाला के बहुत ही सिंपल से पैटर्न्स बना लेंगे। इससे इस मंडाला वॉल आर्ट का एक बहुत ही वाइब्रेंट लुक निकल कर आएगा, क्योंकि ये जो 3D आउटलाइनर्स हैं ये नियॉन कलर्स में हैं, और यहाँ पर इन 3D आउटलाइनर्स से मैंने बहुत ही सिंपल सी ड्राइंग की है, सिंपल सी डिज़ाइंस बनाई हैं। इससे इसका लुक 3D वाला निकल कर आएगा और एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा रॉयल लुक लगेगा। आप यहाँ पर इन 3D आउटलाइनर से अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग पैटर्न्स बना सकती हैं। मैंने ये जो पिक्चर स्टिक की हैं उसी के अकॉर्डिंग इसके ऊपर ये मंडाला पेंटिंग कर ली है, मंडाला डिज़ाइंस बना ली हैं। इसे बहुत ही सिंपल रखा है, जिससे कि मैंने इसे बहुत ही जल्दी बना लिया। एक मैंने बहुत ही महीन बारीकी वाला वॉल आर्ट बनाया था, तो दूसरा मैंने बहुत ही सिंपल और फ्री हैंड वाला रखा है, जिससे कि आप भी इसे ईजिली बना पाएँ। तो सबसे पहले मैंने 3D आउटलाइनर से ये पैटर्न्स बना लिए हैं, और बाद में इसके अंदर और भी ज़्यादा डिटेलिंग करने के लिए, इसकी खूबसूरती को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए मैंने लिया है गोल्डन 3D आउटलाइनर कोन, और उस कोन की हेल्प से इसके अंदर बहुत ही बारीक बारीक सी डिटेलिंग कर ली है, जिससे कि इसका लुक और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा। क्योंकि जब हम कोई एथनिक डेकोर बनाते हैं, ट्रेडिशनल डेकोर बनाते हैं, तो उसमें जब गोल्डन टच आता है तो उससे वो और भी ज़्यादा रॉयल दिखता है, खूबसूरत दिखता है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने 3D आउटलाइनर की हेल्प से इसके अंदर, इन फ्लावर्स के अंदर छोटी छोटी ये डिटेलिंग्स कर ली हैं। फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अपने इमेजिनेशन को यूज़ करें और यहाँ पर अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग इस तरीके के आर्ट को बहुत ही इजीली, बहुत ही बजट में बना सकती हैं। तो देखिए, यहाँ पर गोल्डन 3D आउटलाइनर का यूज़ करते हुए इस वॉल आर्ट का लुक कुछ इस तरीके से आ रहा है। आई होप कि आपको ये पसंद आएगा।
फ्रेंड्स, हमारे दोनों वॉल आर्ट्स अब बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। आप चाहें तो इन्हें वॉल पर एज इट इज़ भी स्टिक कर सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा रॉयल और ब्यूटीफुल लगेंगे। लेकिन इसे हैंग करने के लिए, इसे थोड़ा सा और कंप्लीट लुक देने के लिए मैं इसकी बाउंड्रीज पर लगा रही हूँ ये रोप, जिससे कि हम इसे हैंग भी कर पाएंगे और एक इसकी बाउंड्री का ये कम्प्लीट लुक भी मिलेगा, क्योंकि हमने इसे कार्डबोर्ड से बनाया है तो इसकी एजेस खुली हुई हैं। तो ये पार्ट आप टोटली स्किप भी कर सकती हैं। तो यहाँ पर इसकी बाउंड्रीज पर देखिए, मैंने इस तरीके से ये वाइट रोप को स्टिक करते हुए इन वॉल आर्ट्स को कंप्लीट किया है। अब हम बनाएंगे ये बहुत ही ट्रेडिशनल सा टर्बन राजस्थानी मैन, जिसके लिए मैंने चार्ट पेपर पर इसे सबसे पहले ट्रेस कर लिया है और इसी के अकॉर्डिंग मैं कार्डबोर्ड पीसेस को कट कर लूँगी। इस तरीके के टर्बन मैन अभी बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है और मैं प्लान कर रही हूँ कि अपने एंट्रेंस पर लगाकर अपने एंट्रेंस को डेकोरेट करूँगी, जिसका वीडियो भी मैं जल्द ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर देखिए, कुछ इस तरीके से मैंने कार्डबोर्ड पीसेस को कट कर लिया है और फेविकोल लगाकर इन दोनों को आपस में हमें स्टिक कर लेना है। क्योंकि हम यहाँ पर कार्डबोर्ड पीसेस का यूज़ कर रहे हैं तो कार्डबोर्ड पीसेस की एजेस खुली हुई रहती हैं, उनमें इतनी फिनिशिंग नहीं होती हैं। तो यहाँ पर इसे फिनिशिंग देने के लिए या तो आप चाहें तो पेपर को स्टिक कर सकती हैं, टिश्यू पेपर्स को स्टिक कर सकती हैं, मास्किंग टेप को स्टिक कर सकती हैं, या फिर आप स्टिक कर सकती हैं एयर ड्राई क्ले को। एयर ड्राई क्ले इसे और भी अच्छी तरीके से स्टिक कर देगा और वो बहुत ही एक इसको अच्छी फिनिशिंग देगा इसकी एजेस को। तो यहाँ पर देखिए, एयर ड्राई क्ले को मैंने कुछ इस तरीके से इसकी बाउंड्रीज पर चारों ओर स्टिक कर दिया है। एयर ड्राई क्ले को थोड़ा स्मूदन आउट करने के लिए आप यहाँ पर हल्की गीली फिंगर्स का यूज़ करें, जिससे कि क्ले अच्छी तरीके से स्टिक हो जाएगी। अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे होममेड जेसो का। होममेड जेसो का हमें एक कोट लगा लेना है, जिससे कि इसका सरफेस थोड़ा स्मूद हो जाएगा और जब हम इसके ऊपर कलर्स करेंगे, अगली पेंटिंग करेंगे, तो वो अच्छी तरीके से इसके कलर्स भी विजिबल होंगे। जेसो की लेयर को हमें करने के बाद ड्राई होने देना है। अब हम इसके ऊपर हमारी अगली ड्राइंग कर लेंगे, जिससे कि हमें किस तरीके से इसके फेस पर कलर्स करने हैं वो हमें अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से टर्बन मैन की मैंने ये ड्राइंग कर ली है। अब सबसे पहले हम इसके फेस को कलर कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने स्किन कलर का एक दो तीन कलर्स को मिक्स करते हुए ये कलर बना लिया है और सबसे पहले हमें इसके फेस को कलर कर लेना है। अब हम कलर कर लेंगे इसकी टर्बन को। तो यहाँ पर इसकी टर्बन में मैंने बहुत ही वाइब्रेंट कलर्स का चूज़ किया है। डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के शेड्स को लेते हुए मैंने कुछ इस तरीके से इसकी टर्बन को बहुत ही ज़्यादा कलरफुल बनाया है।
फ्रेंड्स यहाँ पर इसके कलर कॉम्बिनेशंस को आप अपने अकॉर्डिंग रख सकती हैं या फिर जो भी आपके पास कलर्स अवेलेबल हों उनका यहाँ पर यूज़ कर सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए ये पगड़ी अब पेंट हो चुकी है। इसके नीचे वाले एरिया को पेंट करने के लिए मैं ले रही हूँ ब्राइट ये ब्लू कलर, जिससे कि ये बहुत ही ज़्यादा कलरफुल लगेगा। वैसे भी हम ऐसे बना रहे हैं राजस्थानी मेन, और राजस्थान में काफ़ी सारे कलर्स का यूज़ होता है, बहुत ही ज़्यादा रंगीन वहाँ का कल्चर होता है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने इस राजस्थानी टर्बन मेन को उतना ही ज़्यादा कलरफुल और वाइब्रेंट बनाया है। आई होप कि आपको ये आइडिया पसंद आएगा। अब हम कलर कर लेंगे इसके मुस्टैच को। मैंने इसकी ये बड़ी बड़ी सी मूछें बनाई हैं, जिससे कि ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगेगा। तो यहाँ पर इसकी मूछों पर ये कलर करने के बाद हम इसके फेस पे थोड़ी सी पेंटिंग कर लेंगे, इसकी नोज़ और आईज़ बना लेंगे, जिससे कि इसका कंप्लीट लुक मिलेगा हमें। तो देखिए टर्बन मैन बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, लेकिन इसकी टर्बन में थोड़े से और इसे डेकोरेट करने के लिए मैं ले रही हूँ एयर ड्राई क्ले को। और हमने जो ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स किए हैं, ये लहरिया पैटर्न जो बनाया है, उसकी बाउंड्रीज़ पर मैं स्टिक करूँगी एयर ड्राई क्ले को, और बाद में हम इसे डेकोरेट कर देंगे मिरर के साथ, जिससे कि इसमें थोड़ा और शाइन ऐड होगा, थोड़ी और ग्लिटर ऐड होगी, जिससे कि ये ट्रेडिशनल इसका और भी ज़्यादा लुक निकल कर आएगा। फ्रेंड्स आप चाहें तो इस टर्बन मैन की टर्बन को बहुत ही सारी डिफरेंट डिफरेंट वेज में डेकोरेट कर सकती हैं। आप यहाँ पर डिफरेंट पर्ल्स लगा सकती हैं, लेसेस का यूज़ कर सकती हैं, या फिर कोई कुंदन स्टोन्स या फिर मिरर को भी डिफरेंट डिफरेंट वेज में लगाकर इसकी टर्बन को और भी ज़्यादा डेकोरेट कर सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसकी टर्बन को कुछ इस तरीके से डेकोरेट कर लिया है। अब हमने जो एयर ड्राई क्ले इसकी बाउंड्रीज पर स्टिक की थी वो बहुत ही ज़्यादा प्लेन और बोरिंग लग रही हैं, तो यहाँ पर इसकी बाउंड्रीज पर मैंने कर दिया है ये गोल्डन कलर, जिससे कि इसका एक बहुत ही अच्छा शाइनी इफेक्ट आएगा। तो यहाँ पर बाउंड्रीज पर मैंने गोल्डन कलर कर दिया है, और इसकी जो टर्बन है उसमें मैंने थोड़े से पल्स का इफेक्ट देने के लिए 3D आउटलाइनर से ये थोड़े से डॉट्स लगा दिए हैं। अब इसके नीचे हैंग करने के लिए मेरे पास मेरे एंट्रेंस पर ये वुडन का जय जिनेंद्र लगा हुआ था, उसे ही मैं थोड़ा और पेंट करके इसके नीचे हैंग करूंगी। फ्रेंड्स यहाँ पर आप डिफरेंट डिफरेंट वेलकम कोट्स को बनाकर इसके नीचे हैंग कर सकते हैं, और इस वॉल हैंगिंग को कंप्लीट कर सकते हैं, जैसे कि आइए पधारिए, वेलकम, राम राम, बहुत सारे आइडियाज आपको पिंटरेस्ट पर भी मिल जाएंगे। तो मेरे पास ऑलरेडी ये वुडन वाला जय जिनेंद्र रखा हुआ था, तो इसे ही मैंने पेंट करके थोड़ा कलरफुल और वाइब्रेंट बना लिया है, जिसे कि मैं इसके नीचे हैंग करूंगी और अपने मेन एंट्रेंस को डेकोरेट करने के लिए यूज करूंगी। तो कुछ इस तरीके से देखिए मेरा ये जय जिनेंद्र वाला ब्लॉक रेडी हो चुका है। अब हम इन दोनों को आपस में स्टिक करके हमारे वॉल आर्ट को कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक वुलन थ्रेड की इस तरीके से ब्रेड बना ली है वाइब्रेंट कलर से, और इन दोनों को आपस में ग्लू गन की हेल्प से कुछ इस तरीके से स्टिक कर लिया है। फ्रेंड्स मैंने इन सभी वॉल आर्ट्स को, इन सभी होम डेकोर DIY आइडियाज़ को बहुत ही मन से बनाया है। आई होप कि ये आपके मन को भी उतना ही ज़्यादा भाएगा। अगर आपको ये उतना ही ज़्यादा पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बनता है।
और देखिए रेडी है हमारी क्यूट से राजस्थानी टर्बन मैन। अब हम बनाएंगे हमारा आज का फोर्थ और लास्ट DIY, जिसे मैंने थोड़ा 3D इफेक्ट देने की कोशिश की है। सबसे पहले मैंने लिया है एक राउंड कार्डबोर्ड कटआउट और उसके साथ मैं ले रही हूँ जूट थ्रेड को। तो यहाँ पर जूट थ्रेड को फेविकोल लगाकर हमें इसकी बाउंड्रीज पर कुछ इस तरीके से स्टिक कर लेना है। फ्रेंड्स, ये वॉल आर्ट बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी है और बहुत ही ज़्यादा यूनिक भी है। इस वॉल आर्ट में मैं यूज़ करूँगी अपने पास रखे हुए एक ओल्ड दिए का, और उसके अंदर मैंने मंडाला पेंटिंग करके इसके अंदर स्टिक किया है। और जब आप इस वॉल आर्ट को वॉल पर स्टिक करेंगी तो उस दिए से इसका इफेक्ट एक बहुत ही 3D वाला निकल कर आएगा। और इवन आप इस वॉल आर्ट को वॉल पर स्टिक करने के साथ साथ इसे एज ए कैंडल होल्डर भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जूट थ्रेड को स्टिक करने के बाद बीच की जो ये गैप बची है इसमें मैंने डार्क ब्लू कलर कर लिया है, जिससे कि जब हम इसके अंदर कलरफुल पेंटिंग करेंगे, हमारे दिए को स्टिक करेंगे, तो ये सारे कलर बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट लगेंगे। अब यहाँ पर मैंने अपना एक पुराना मिट्टी का दिया लिया है। इस तरीके के दिए जनरली आप सभी के पास अवेलेबल भी होंगे। तो यहाँ पर हमें इसके ऊपर वाइट बेस कोट कर लेना है और इसे ड्राई होने के लिए रख देना है। अब हम लेंगे हमारा कार्डबोर्ड पीस, जिसके ऊपर हमने ब्लू कलर करके उसे ड्राई होने के लिए रख दिया था। इसके ऊपर मैंने बहुत ही सिंपल से वाइट कलर से ये लोटस फ्लावर्स बना दिए हैं। लोटस फ्लावर्स बहुत ही ट्रेडिशनल और बहुत ही एथनिक लगते हैं, और इन फ्लावर्स को बनाना भी बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो यहाँ पर इसकी बाउंड्रीज पर मैंने इस तरीके से इन फ्लावर्स को बना लिया है। अब हम लेंगे हमारा ये दिया और इसके अंदर कर लेंगे मंडाला पेंटिंग। इस पेंटिंग को मैंने बहुत ही इजी, सिंपल लेकिन कलरफुल रखा है, जिससे कि ये सारे कलर्स कॉम्बिनेशंस बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेंगे। तो यहाँ पर इस पेंटिंग को आप अपने अकॉर्डिंग रख सकती हैं। इसमें कोई भी आपको हार्ड एंड फास्ट मेथड फॉलो नहीं करना है। सिंपल से आपको फ्लावर्स बना लेने हैं, जैसे कि आप दिया पेंटिंग करते हैं उसी के अकॉर्डिंग मैंने इसके अंदर ये पेंटिंग कर ली है। इन पैटर्न्स को बना लेने के बाद मैंने ब्लैक कलर से इसके अंदर थोड़ी सी ये डिटेलिंग कर ली है, और इस तरीके से हमारा ये वाइब्रेंट और ब्यूटीफुल सा दिया बनकर बिल्कुल रेडी है। अब हम लेंगे हमारा ये कार्डबोर्ड वाला पीस और इसके अंदर इस दिए को जब हम स्टिक करेंगे तो उसी की बाउंड्री के अकॉर्डिंग मैंने इसके अंदर ये येलो एक और सर्कल बना लिया है, जिससे कि जब हम इस दिए को इसके ऊपर स्टिक करेंगे तो कलर्स काफ़ी अच्छी तरीके से उठकर दिखेंगे। यहाँ पर देखिए, कुछ इस तरीके से हमें इस दिए को स्टिक करना है। इसे थोड़ा और इन्हेंस करने के लिए मैंने कुछ इस तरीके से ये पिंक डॉट्स लगा दिए हैं। और अब हम इसकी बाउंड्रीज पर स्टिक करेंगे मिरर्स को। ट्रेडिशनल डेकोर हो, एथनिक डेकोर हो, उसमें मिरर का यूज़ ना हो तो वो वॉल डेकोर कंप्लीट नहीं लगता है मुझे। इस तरीके से मुझे मिरर का यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, और मिरर इस तरीके के ट्रेडिशनल डेकोर में चार चांद लगा देता है। तो यहाँ पर जूट थ्रेड की जो हमने ये बाउंड्री बनाई है इसके ऊपर मैंने इन मिरर्स को स्टिक कर लिया है। बीच में स्टिक कर लेंगे हम हमारे दिए को, और हमने जो ये मिरर्स को स्टिक किया है इसकी बाउंड्रीज को इन्हेंस करने के लिए मैंने 3D आउटलाइनर से इस तरीके से कलरफुल ये बाउंड्रीज बना ली हैं। और देखिए रेडी है हमारा ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा वॉल आर्ट कम कैंडल होल्डर। तो फ्रेंड्स, ये थे मेरे आज के चारों ये एथनिक DIY आइडियाज, जिन्हें मैंने बहुत ही कम बजट में बनाया है। मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इन चारों में से आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा। फ्रेंड्स, आप जो कमेंट्स करते हैं, इतने अच्छे अच्छे फीडबैक देते हैं, ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा मोटिवेशन का काम करते हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा विद बेल आइकन, ताकि आप मेरा कोई भी आने वाला वीडियो मिस ना करें। मिलती हूँ मेरे एक और इजी और इंटरेस्टिंग DIY के साथ। टिल देन खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय।